अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी बी टू न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं जन्नत नज़ीर वादी तौर में चबलू में मौजूद हूं। यहां पर एक ग्रीन हिल फेस्टिवल के नाम से एक टूर्नामेंट का आगाज़ किया है और इस टूर्नामेंट में लगभग 16 टीमें आ चुकी हैं यहां पर और इन तमाम के दरमियान मैच अभी जारी। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको इस ग्राउंड में और इस टूर्नामेंट के हवाले से? यहाँ पर इस खूबसूरत ग्राउंड में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खिलाड़ी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उसके बाद 12-13 टीमें हैं इस खूबसूरत ग्राउंड में, तो दूर से आए हैं इधर कुछ शौकीन खेलने के देखने के लिए भी आए हैं और बाकी ये टीमें बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको इस ग्राउंड में और इस टूर्नामेंट में? यहाँ टूर्नामेंट में फ़िलहाल 3 दिन हुए हैं, मज़ीद 1-2 दिन और है मैच के लिए और दिन ब दिन अच्छे मैच खेले जा रहे हैं, तो फ़िलहाल 1-2 दिन का मैच और है, तो इंशाल्लाह उसके बाद फाइनल में। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में यहाँ पर एक शाकिन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इस टूर्नामेंट में और यहाँ ग्रीन हिल्स में जो चबलू में है, इस खूबसूरत जगह पर कैसा फील कर रहे हो? जी, एक तो ये बहुत तो खूबसूरत प्यारा जगह है ट्रैकिंग के हवाले से भी, और यहाँ पर जो मुनफरद इस जगह को जो मकाम हासिल है वो ये हैं कि इस जगह पर जो खूबसूरत गर्म चश्मा है जिसे मकामी जबान में छुतरन कहा जाते हैं, वो भी यहाँ पर इसके करीब ही, आप कैमरामैन अगर आप दिखा सके तो दिखा सकते हैं कि इसके अकम में ही मौजूद हैं गर्म चश्मा। इसके अलावा यहाँ पर हर साल जो टूर्नामेंट कराया जाता है ग्रीन हिल टूर्नामेंट, तो उसमें काफ़ी जो जो खरोश पाया जाता है नौजवानों का, ख़ासतौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी नौजवान बच्चे सब ही यहाँ पर काफ़ी टाइम यहाँ पर लगते हैं ट्रैकिंग के लिए, पैदल भी 2-3 घंटे का रास्ता है, तो यहाँ पर जो खरोश काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया।